प्रभुदेवा के निर्देशन में बन रही फिल्म दबंग 3 की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से एक्साइटमेंट हमें देखने को मिली है और बताना चाहेंगे अब तक फिल्म के 2 पार्ट लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं। ऐसा है फिल्म के 3रे पार्ट को भी लेकर काफी ज्यादा बस बना हुआ है और जैसे कि आप सभी जानते हैं इस फिल्म को 20 दिसंबर 2019 को रिलीज किया जाना है। फिल्म की शूटिंग लगातार चल रही है और फिल्म की शूटिंग करीब 60% तक पूरी भी हो गई है, लेकिन इसी बीच फिल्म के निर्माता अरबाज खान ने फिल्म से जुड़ी कुछ डिटेल मीडिया के सामने शेयर की है। जी हां, बताना चाहेंगे फिल्म की कहानी को लेकर जब अभी हाल ही में अरबाज खान से पूछा गया कि इस फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट क्या होने वाला है तो उन्होंने किच्चा सुदीप का नाम ले लिया है। जी हां, बताना चाहेंगे किच्चा सुदीप साउथ के जाने माने चेहरे हैं और इस फिल्म में वो बतौर विलन के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने किच्चा सुदीप के किरदार के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान फिर से चुलबुल पांडे बनकर लोगों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। इसी के साथ ही फिल्म दबंग 3 की बात करें तो उसमें नेगेटिव रोल में सोनू सूद और दबंग 2 में प्रकाश राज नजर आए थे। दोनों ने ही धमाकेदार अभिनय किया था। हालांकि इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान का किरदार भी शानदार होने वाला है। इस फिल्म में विनोद खन्ना की जगह दूसरा कलाकार नजर आने वाला है। बताते चले विनोद खन्ना का किरदार इस फिल्म में प्रमोद खन्ना निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रमोद खन्ना काफी हद तक उनके जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें इस किरदार के लिए चुना गया है। असम में बाढ़ पीड़ितों की बात करें तो उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालांकि अक्षय कुमार ने भी हाल ही में ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की दान राशि असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दी है, लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं। जी हाँ, बताना चाहेंगे फिल्मों के अलावा अमिताभ बच्चन अपनी दया दिले के लिए भी जाने जाते हैं। शहीदों के परिवार की मदद की बात हो या फिर आपदा पीड़ितों के लिए दान करना हो, अमिताभ का नाम अक्सर सामने आता है। असम में बाढ़ से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अमिताभ उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। बताना चाहेंगे असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि अमिताभ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख की मदद भेजी है, हम इसकी सराहना करते हैं, ये दिखाता है कि वो लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। मुख्यमंत्री के ट्वीट पर अमिताभ ने लिखा कि असम मुश्किल में है, बाढ़ ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हमारे भाई बहनों के लिए मदद भेजने की जरूरत है, मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता भेजे, मैंने ये कर दिया है, क्या आपने किया? तो इस तरह अमिताभ बच्चन ने 51 लाख की मदद असम के लिए भेज दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि वो भी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सामने आए।